देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर की मन की सच्ची बातें, आपके मन, आपके पार्टनर के मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन ये आज की एनर्जी है, करंट एनर्जी, जिसमें हम रूनस का उपयोग करने वाले हैं, सभी का फेवरेट, ठीक है। देखेंगे आपके रूनस क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर के मन की सच्चाई के बारे में, वो आपके बारे में क्या मन में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है यार, मस्त वाला लाइक चिपकाना जरूर, और यस कमेंट कर देना है, क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। हीलिंग के लिए अगर ब्रेसलेट चाहिए, अमित सर को कॉन्टैक्ट करें, नंबर और डिटेल सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। रीडिंग जनरल होती है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग हम नहीं करते, थीटा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ और सिर्फ एनर्जी यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के मन की सच्ची भावनाएं क्या है। आई होप आपने ध्यान किया हो, नहीं किया है तो पॉज कर लो, विजुलाइज करो, ताकि उनकी एग्जैक्ट हम लोग रीडिंग जो है कर सकें, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो व्हाइट कपड़ा, कोई शर्ट दिख रही है व्हाइट कलर की, अगर आपने पहनी आप ध्यान ज्यादा देना। और रूपा करके एकदम से नाम रिफ्लेक्ट हुआ है, अगर ये रूपा कौन है, आई डोंट नो, रूपा के इनर वेयर्स नहीं कह रही हूँ, पर पता नहीं क्यों रूपा आया है। तो अगर आप हो तो आप ध्यान ज्यादा देना, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़े लेवल का स्विच होने वाला है। आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, सडनली बहुत ज़्यादा चेंजेस, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके मन में बहुत हैवी लेवल की बदलाव है और हैवी लेवल की शिफ्ट है। सडनली जो व्यक्ति कल तक आपके लिए बहुत नेगेटिव थे, वो पॉजिटिव होने वाले हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होंगे, लेकिन स्विच है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी एक रून है, तो हम इससे ये फिगर आउट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर एक बहुत हैवी लेवल के चेंजेस से गुजर रहे हैं, और ये चेंजेस उनके लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं है। अगेन मैं बोल रही हूँ, अगर बहुत नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव होंगे, अगर बहुत पॉजिटिव है तो नेगेटिव होंगे। आप उनमें बहुत बड़े लेवल का बदलाव देखेंगे, महसूस करेंगे, बात नहीं कर रहे हैं तो भी महसूस करेंगे, तो भी आपको लगेगा कि कुछ बदला है मेरे बंदे में या बंदी में, इसने कुछ ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, या इसका देखने का तरीका, इसकी डीपी कुछ बदला है, कुछ बहुत हैवी लेवल का बदलाव आया है, कुछ तो है इसके अंदर बदला है। अगेन रिपीट करूंगी, अच्छा सोचते हैं तो बुरा सोचना शुरू करेंगे, बुरा सोच रहे हैं तो अच्छा सोचेंगे। अच्छी अच्छी बातें ही मत दिमाग में ले लेना कि वो तो मतलब अच्छा ही होने वाला है, नहीं, अगर वो बहुत पॉजिटिव हो तो बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, ओके। क्योंकि स्विच है उनकी जिंदगी में, ऐसा लग रहा है उनके नक्षत्रों ने बड़े लेवल का टर्न ले लिया है, उनको बदलने पे मजबूर किया है। अंधेरे से सवेरा, सवेरे से अंधेरा, ये वाला स्विच हो रहा है उनका, लाइट के बटन ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी है जहां पे वो एक बड़े स्विच से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ना चाहते हैं, रियूनियन के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो कोई स्टेप ले सकते हैं। इस टाइम, इस बार उनकी तरफ से कुछ एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो मनी मन कोई बहुत बड़े लेवल का एक्शन लेना चाहते हैं। अब ये एक्शन कुछ भी हो सकता है, ये एक्शन कोई भी स्टेप हो सकता है, बट येस, ये कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जिससे आपके साथ जो बिगड़ी हुई बात है वो बन जाए। अब मैं कह सकती हूँ कि ये व्यक्ति कुछ पॉजिटिव ही सोचने जा रहे हैं। अब मैं कह सकती हूँ कि अंधेरे से सिर्फ सवेरे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अब आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप दोनों अब चीजें ठीक करें, आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए, जो झगड़ा है उसे खत्म करके दोबारा से एक नई शुरुआत की जाए। क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, इनको लगता है कि नहीं, यही है जो मुझे हैप्पी फील करा सकती है या करवा सकता है, ये मेरी जिंदगी के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, ये मुझे मोटिवेट करता है, तो यस, इसी के साथ मुझे रहना है। और अब वो क्लियर है इस चीज को लेकर कि यस, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, एंड शी इज द वन या ही इज द वन, इसी के साथ मेरी जिंदगी को आगे मुझे ठीक करने की जरूरत है, क्लीन स्लेट लाने की जरूरत है। स्लेट में बहुत कुछ लिख दिया है, अब वो बोर्ड को साफ करके एक नई शुरुआत करने की जरूरत है, ठीक है। सो आपके पार्टनर अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे काफी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त करेंटली बहुत शांत है, ठीक है, करंट प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत शांत है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये शांत है, शांत ही रहने लगेंगे, अब ये कुछ स्विच नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, तो सबसे पहले ना तो आपका माइंडसेट चेंज करना शुरू करो। आपका माइंडसेट ही आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। ये जो बहुत लोगों के मुझे कभी मैसेजेस आते हैं या कमेंट आते हैं ना कि दीदी कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, कुछ भी बदल नहीं रहा है, बिकॉज आपके माइंडसेट ने इस बात को बिठा दिया है कि यस, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ चेंज होना ही नहीं है,
ठीक है नहीं वो तो चेंज ही नहीं होता, वो तो आता ही नहीं है, ये आपका माइंडसेट है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर बार बार ये कह रहे हो कि वो नहीं आता है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही गेम्स होते हैं, याद रखना, आपकी जिंदगी के जो भी चीज़ें होती है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे करवाता है, दुख हो सुख हो सब आपके मन की जो स्थिति है वही करवाती है आपसे। आपके पार्टनर इस वक्त डेफिनेटली शांत है, लेकिन आने वाले समय में ये अपनी शांति और अपनी चुप्पी को तोड़ने वाले हैं, या आप दोनों के बीच में जो बहुत सारे खट्टे पल आ चुके हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, उसको तोड़कर वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत ज़्यादा खटास आ गई है अब आप दोनों के रिश्ते में, और आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत बेहतर हुआ करती थी, पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें स्वीट थी, लविंग थी, केयरिंग थी, एक दूसरे की केयर थी, एक दूसरे का पैशन था, एक दूसरे के लिए आप लोग कंसर्न थे, अब सिर्फ इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वही चला है बहुत टाइम से। अब आपके पार्टनर कैसे है ना, वो ऐसा चाहते हैं कि यार ये रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाए, लेकिन इधर उधर की बातें कम हो, इसने क्या किया, उसने चोटी खींची, इसने ये किया, ये सब सुनना नहीं है उनको, वो आइस ब्रेक करके आपके साथ वापस एक नया रिलेशन बनाना चाहते हैं। बट क्या उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो, ये बातें वो डेफिनेटली सोचते हैं, उनको लगता है क्या ये प्रिपेयर्ड है, तो वो आपको दूर से वेट एंड वॉच वाली पोजीशन पे देखते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब वो आपको दूर से चेकआउट कर रहे हैं कि क्या आप रेडी हो, अगर वो आपके पास रिकनसाइल करते हैं या आपके लिए वो एक्शन लेते हैं, तो क्या आप रेडी हो कि आप उनको एक्सेप्ट कर सको, या इस रिलेशनशिप को बेहतर रिलेशनशिप बना सको, क्या आप रेडी हो कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अब आगे ग्रो कर सके, क्योंकि उनको लग रहा है अगर आप रेडी नहीं हो, अगर आप बहुत खट्टे हो, इनको लेकर नेगेटिव हो, या थर्ड पर्सन को लेकर नेगेटिव हो, या फिर कोई पुरानी बात लेकर खड़े होना चाहते हो कि यार तुमने पास्ट में ये किया, तो ये व्यक्ति 100 कदम आपसे दूर भागेंगे। इनका ऐसा है कि भाई मेरे पास मेंटल स्ट्रेस बढ़ाने का अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, जो मेरे को लगता है, जो मुझे लगता है कि मुझे इस व्यक्ति से मिल सकता है, बट मैं नहीं जानता कि ये व्यक्ति रेडी है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके पास आऊँ तो फिर ये इसने पुरानी जली कटी सुनाना शुरू कर दिया, फिर तो मेरा एफर्ट बेकार है, राइट। तो आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं कि यार पता नहीं ये रेडी है कि नहीं, पर मुझे तो आना है, मेरी तो बहुत इच्छा है, पता नहीं ये क्या कर, तो लाइक दूर रह के वेट एंड वॉच का गेम चालू है। आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल्टी निभाना चाहते हैं, इस बार वो आपको कोई वादा देना चाहते हैं जिसको वो मतलब बोलते हैं ना कंटिन्यूसली निभाने का, मतलब एक बोलते ना स्ट्रेंथ ला चुके हैं अपने अंदर, उनको ऐसा है कि इसको अगर अब मैं वादा दूं तो उस वादे को मैं निभाऊं, मैंने हमेशा इसको बहुत हर्ट किया है, मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी की है, कुछ चीजों में इसने भी मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत ज्यादा मेरा दिल दुखाया है, कई बार ऐसी ऐसी बातें की, ऐसी चीज़ें की जिससे मैं हर्ट हुआ या हर्ट हुई हूँ, बट दिस टाइम हम वापस सच्चाई से इस रिश्ते को निभाते हैं, ये वाली उनकी सोच है, क्यों ना मैं सच्चाई से एक बार फिर कोशिश करूँ, क्यों ना मैं ये कोशिश करूँ कि यार ये रिलेशनशिप दोबारा अच्छा हो जाए। अच्छा साइंस बता देती हूँ, टॉरस दिख रहा है, एक्यूरस दिख रहा है, ओके, कैंसर एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, धनु राशि मतलब सेजिटेरियस है, पाइसिस है, वर्गो है, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा स्टबन रहे हो, कुछ चीज़ को लेकर एक्सप्रेसिव नहीं रहे, लाइक खुलकर बोलते नहीं है प्यार करता हूँ या करती हूँ, खुलकर बोलते नहीं है कि मन में क्या है, बहुत सारी चीज़ें ना एक उनके अंदर हिडन रहती है, कि बहुत सारा ना एक पिटारा भरा हुआ है जिसमें आप कई बार एक्सपेक्ट करते हो कि भाई अब सॉरी बोल दे, भाई अभी लव यू बोल दे, भाई अभी ऐसा, पर वो कुछ करते ही नहीं, वो भलता ही कुछ कर जाते हैं। तो दिस टाइम आपके पार्टनर काफ़ी कॉन्फिडेंटली या काफ़ी स्ट्रांगली ये चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉयल्टी से चले, सच्चाई के साथ, पर वो आपसे भी वही उम्मीद करते हैं, उनको लगता है आप भी वही करें, ये आपको पूरे दिल से अपनाना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ रह के 10 लोगों के साथ मिंगल नहीं करना चाहते, इनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हो सकता है 10 और को मुंह लगाकर देखा हो, बट इनको लगता है कि नहीं आप बहुत डिफरेंट हो, आप बहुत स्पेशल हो, बट इनको लगता है कि मेनली प्रॉब्लम पता है कहाँ है, ये व्यक्ति इसलिए आपके पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। अचानक से अगर आप इनको मैसेजेस कर देते हो ना कई कई बार कि तुम मुझे भूल गए, या फलाना ये हमका ढिकाना, या उसने ऐसा किया, तुमने उसकी बात पे विश्वास कर लिया, जैसे ही आपको मैसेज देखते हैं ना, मैं आपको बताऊं आपके पार्टनर को कोई खुशी नहीं होती इस मैसेज को पढ़कर, ऐसे अगर मैसेजेस आपने भेजे हैं तो मैं ओवरऑल बता रही हूँ, कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि इनको और ऐसा लगता है कि भाई इससे दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, क्योंकि इनको क्या लगता है आप फिर वही बात पर आ गए, आप फिर उसी मुद्दे को पकड़ रहे हो कि इसने ये किया, उसने वो किया, मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हमारा पास पास, हम तुम बदल गए, तो इनको ये चीज़ें इरिटेट करती हैं।
तो ये एग्जैक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब आप चेंज होते हो. जिस दिन आप चेंज हो जाओगे और मैं इसने उसने क्या किया ये छोड़ दोगे, इस तरह के कोई मैसेजेस नहीं करोगे, तब आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपको अप्रोच करेंगे. आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फिलहाल काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं इन दिनों. काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है जिसके कारण वो काफी लोनलीनेस भी फील करते हैं, काफी ज्यादा उनका काम में मन नहीं लगता है. बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इसके कारण वो आलसी भी कह सकते हो गए हो या डिस्ट्रैक्ट हो गए हो. एक पल उनको लगता है घर से भाग जाऊं कहीं ट्रैवल करूं, दूसरे पल लगता है कि नहीं यार काम करने की जरूरत है, तीसरे पल लगता है कि नहीं यार मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है. कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है जिससे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट है. माइंड बहुत डिस्टर्बेंस में, एंजाइटी और स्ट्रेस है, और हो सकता है कि आजकल ये सही से सो नहीं रहे, या तो इनको बैक या स्टमक की प्रॉब्लम शुरू हुई है. ठीक है, नींद बराबर नहीं हुई है या वर्कआउट कुछ इतना हैवी कर लिया है जिससे इनके शरीर में बहुत तकलीफ हो गई है इनको. ठीक है, सो पेन है. ओके, काफी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं, इसीलिए इनके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, काफी ज्यादा बदलाव हैं, और ये रिलेशनशिप को ठीक करने का एक एफर्ट है, एक इच्छा है. आपका बर्थ नंबर 2 हो सकता है, आई डोंट नो वाई, पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ. ठीक है, आपका नाम का स्टार्ट एस हो सकता है या आपके पार्टनर के नाम का स्टार्ट एस हो सकता है. मुझे एस रिफ्लेक्ट हुआ है. एस इज द साइन ऑफ रिकन्सलेशन एज वेल, एस इज द साइन ऑफ सन एज वेल, जहाँ पे हम कहते हैं कि सब चीज़ें ठीक होगी, अब खुशी से सब कुछ बेहतर होगा, पॉजिटिविटी होगी, तो ये रिफ्लेक्ट हुआ है. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए रिलेशनशिप में एफर्ट चाहते हैं, बट वो आपको इक्वली देख रहे हैं कि क्या आप उस चीज़ के लिए उनके लिए कितना पार्टिसिपेट करने वाले हो और कितने आप. क्योंकि पहले कैसा था ना, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव थे, चेंजेस थे, आप एक अलग पर्सन थे जो बर्दाश्त कर लेते थे, बट दिस टाइम क्या आप हैंडल कर पाओगे, क्या बर्दाश्त कर पाओगे, वो एनर्जी देखते हैं. स्टॉक करते हैं ये व्यक्ति आपको, ठीक है, स्टॉक करते हैं. पॉसिबिलिटी तो इतनी है कि अगर आपके अगल बगल में रहते तो ये आपके घर से भी चक्कर जानबूझ के लगा कर जाते हैं, आपके घर के अगल बगल से चक्कर लगाते हैं आपको देखने के लिए. बट प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति आपको एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब एकदम ऐसे कोल्ड बिहेवियर, एकदम कोल्ड, ना एक्सप्रेस करते हैं, ना बात करते हैं, दूर भागते हैं आपसे. क्योंकि मैंने जैसे कि कहा ना, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अगर रेडी हो तो ये आपको अप्रोच करे कि चलो यार फिर से स्टार्ट करते हैं, मिट्टी डालो पुरानी बात पे. आपके पार्टनर जरूरत से ज्यादा सोच समझ कर बहुत प्रिकॉशंस लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. इसके बारे में इनके मन में बहुत सारी भावनाएं चलती रहती हैं, कई बार ये आपको मिस करते हैं, कई बार इनके मन में ऐसा आता है कि यार जो भी हो रहा था वो होना नहीं चाहिए था, ये गलत हो गया, हम दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत बुरा हो गया. और अगर कभी कभी उनको लगता है कि नहीं यार अब चीज़ें ठीक करना मुमकिन नहीं है, फिर कभी कभी उनको लगता है नहीं चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हैं यार, अब कर सकते हैं, अब ये तो बहुत मेच्योर बिहेव कर रही है, या तो बहुत मेच्योर बिहेव कर रहा था लास्ट टाइम देखा तो ऐसा लग रहा है खुश है, मतलब अब बात कर सकते हैं, पर जैसे ही आपसे बात हुई फिर से वापस वही शुरू, रोना धोना, ओ मैंने तुम्हें मिस किया, सोच में इनको नहीं लगता है ओ भागो भाई, ये तो फिर से उसी जोन में आ गए. तो आपके पार्टनर आपसे क्लिंजी बिहेवियर इन शॉर्ट नहीं चाहते, और वो मन ही मन आपके लिए डेस्परेट हैं, आपके लिए क्रेव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, बट सामने बिहेवियर ऐसा है कि ओ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, टॉक टू माई हैंड, ऐसी वाली एनर्जी रहती है. ठीक है, सो यहाँ पर एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं. एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप. एक्सपेक्ट मिरेकल्स, आपकी जिंदगी में अचानक से कुछ मिरेकल्स आने वाले हैं. रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, याद रखना प्यार ही सच्चा है और प्यार में ही सच्चाई जीतती है, प्यार ही हमेशा जीतता है. मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली, मिरेकल्स अचानक से होंगे, वो आपके प्लान्ड प्लेस पे या प्लान्ड डेट पे नहीं होंगे. किसी भी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर ने आपको कोई डेट दे रखी है, फलाना जून में होगा शायद, वो मैं भी क्यों ना हूँ, वो चीज़ें नहीं होंगी उस डेट पे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल्स नेचुरल लेवल पे करना चाहते हैं, ऑन दैट डेट ऑन दैट मंथ बिल्कुल नहीं करना चाहते. ठीक है, स्पिरिट हैज़ योर बैक, स्पिरिट्स आपको सपोर्ट करती है, बस आपको दिखेगा नहीं. ठीक है, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए स्पिरिट्स की बात कर रही हूँ, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन वो दिखा कर नहीं करेंगे. ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. अगर रीडिंग पसंद आई मस वाला लाइक जल्दी से चिपका दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. कोर्स ज्वाइन करना है टैरो का तो फटाक से जल्दी से आ जाओ, 15 तारीख से पहले ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो आप लोगों के लिए, आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे. 15 के बाद हम कोई सीट नहीं लेने वाले हैं, और सारी डिटेल्स
आपको व्हाट्सएप करने पे मिल जाएगी, टीम आपको देगी और बैचेस टोटल 16 डेज के होंगे, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आपको टीम दे देगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, और यूनिवर्स विद इन यू का चैनल ट्राई करो, सबसे बेस्ट चैनल है आपकी हीलिंग के लिए, या किसी भी चीज़ के अफर्मेशन के लिए आप उसे चेकआउट कर सकते हो, और या फ्री रीडिंग के लिए www.thedivineteroronline.com पे भी विजिट कर सकते हो और अपनी फ्री रीडिंग खुद कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं अपने बोलते हैं ना अपनी तरफ से बाय बोलती हूँ, और बाकी सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।